समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सीन से बाहर रहने वाले पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि सीएए पर उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बेहद ही निंदनीय है। वह बदले की बात कर रहे हैं। प्रदेश की जनता का मुखिया जब इस तरह की बात करेगा तो जनता का भयभीत होना लाजिमी है। भय के कारण लोग घरों में छुपने के लिए मजबूर हैं। सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दंगे करा रही है। यह लोगों को दंगा करने के लिए उकसा रही है। उपद्रव के दौरान चिन्हित लोगों की संपत्ति कुर्क करने के बारे में उन्होंने कहा कि 2007 के गोरखपुर दंगों के दौरान कितने लोगों की संपत्ति कुर्क की गई थी। सरकार यह बता दे, सपा पर आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने आगे कहा कि हम तो सीएए के विरोध में अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक ही तीर से कितने लोगों को दुखी कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में सवाल दूसरा है, बंगाल में दूसरा है, और उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश में जो लोग निकल करके आए हैं वो नहीं चाहते कि संविधान से छेड़खानी हो। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार हमारे बचें। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं, जो धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार धमकी नहीं दी इन्होंने, सदन में कहा कि ठोको, और उसका परिणाम क्या हुआ कि निर्दोष लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बदला लो, जितनी भी उत्तर प्रदेश में जान गई हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी की भाषा की वजह से गई हैं। जहां लोग शांतिपूर्ण ढंग से निकले, लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने आप विरोध कर रहे थे, ये तो अधिकार हमें मिला है। इन अधिकारों से भी वंचित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी ऐसे काले कानून का विरोध किया है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, जनता के बीच में भी, और आज भी विरोध करती है। एनआरसी जैसे के पक्ष में समाजवादी पार्टी कभी नहीं हो सकती। और ये सब जानबूझकर के इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। जो लोग ये नारा देते, जो स्क्रीन के पीछे लगा हुआ है नारा, ये हमारी पुराना, सदियों पुरानी बात, हजारों साल पुरानी बात, जो हमारी पहचान है। हमने, भारत के लोगों ने जो भी आया उसे स्वीकार किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहकर के दुनिया में गर्व करते थे कि हम उस धरती के लोग हैं, हम उस धरती से आते हैं, हम उस धरती के रहने वाले हैं जहां पर सबको सम्मान मिला, हक मिला, और सबको बराबरी के साथ देखते हैं।